भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति बना करके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को सम्मान दिया। ये काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो आज संसद भवन का उद्घाटन अगर राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कैसे महिला का अपमान कर रही है। नमस्कार, फर्स्ट बिहार झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ सना रहमान। देश में आज नए संसद भवन का उद्घाटन हुआ है और इस नए संसद भवन को लेकर के पिछले कुछ दिनों से बिहार में बवाल मचा हुआ है। बता दें आपको कि इस नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों हुआ, जिसको लेकर के लगातार विपक्ष का विरोध देखने को मिल रहा है। यहाँ तक कि आज जेडीयू ने इसको लेकर के धरना प्रदर्शन भी करना शुरू कर दिया। आज जेडीयू जो है वो अनशन पर बैठ गई है। बता दें आपको कि जेडीयू और विपक्ष की तरफ से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति के हाथों नहीं कराना एक राष्ट्रपति और आदिवासी महिला का अपमान है। लगातार जेडीयू की तरफ से ये बयान दिए जा रहे थे और ये आरोप विपक्ष लगा रही है कि आदिवासी महिला जिन्हें राष्ट्रपति बनाया गया है, देश के महामहिम का अपमान है। इसको लेकर के अब बीजेपी और नरेंद्र मोदी के बचाव में आम जनता पार्टी राष्ट्रीय उतर गई है। दरअसल आपको बता दें कि आम जनता पार्टी राष्ट्रीय के राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्यापति चंद्रवंशी का बयान सामने आया है। विद्यापति चंद्रवंशी ने विपक्ष से कई तरह के सवाल पूछ डाले। विद्यापति चंद्रवंशी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि जिस राष्ट्रपति को बीजेपी ने बनाया उस राष्ट्रपति का अपमान कैसे हो सकता है। एक महिला को सम्मान देने के लिए, एक अनुसूचित जाति और जनजाति की महिला को सम्मान देते हुए जब बीजेपी ने ही द्रौपदी मुर्मू को देश का राष्ट्रपति बनाया, तो आज ये कैसे विपक्ष कह रही है कि उद्घाटन अगर राष्ट्रपति के हाथों नहीं हुआ है नए संसद भवन का, तो वो राष्ट्रपति का अपमान। आप सबसे पहले सुनिए क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे विद्यापति चंद्रवंशी। विपक्ष का कहना है कि महिला जाति का अपमान हो रहा है, अनुसूचित जाति जनजाति का अपमान हो रहा है। ये कैसे प्रमाणित हो रहा है कि संसद भवन के उद्घाटन यदि महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा नहीं किया जाता है तो उसका अपमान, इस वर्ग का अपमान हो रहा है, ये कैसे प्रमाणित होगा। इसलिए क्योंकि आखिर राष्ट्रपति भारतीय जनता पार्टी ने बनाया, तो भारतीय जनता पार्टी ने महिला को सम्मान दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपति बना करके अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोगों को सम्मान दिया। तो ये काम तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो आज संसद भवन का उद्घाटन अगर राष्ट्रपति के द्वारा नहीं हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी कैसे महिला का अपमान कर रही है, कैसे अनुसूचित जाति जनजाति का अपमान कर रही है। यह तो प्रमाणित नहीं हो रहा है, क्योंकि राष्ट्रपति पद इतना प्रमुख पद, देश का सर्वोच्च पद महिला को देना और अनुसूचित जाति जनजाति की महिला को देना, यह प्रमाणित करता है कि महिला समाज को, अनुसूचित जाति जनजाति समाज को सम्मान जो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है राष्ट्रपति बना पर, इसको जो है इससे नकारा नहीं जा सकता है। तो विद्यापति चंद्रवंशी ने साफ तौर पर कई तरह की बातें कही और कई तरह के जो सवाल है वो विपक्ष से पूछ डाले। आपको बता दें कि आज भी जेडीयू का जो प्रदर्शन है वो नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर के बिहार में देखने को मिल रहा है। जेडीयू के कई नेता जो है वो अनशन पर बैठ गए। ऐसे में विद्यापति चंद्रवंशी ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि जब द्रौपदी मुर्मू, जो कि आदिवासी समाज से आती, उनको देश का राष्ट्रपति बनाने का फैसला बीजेपी का था, तो बीजेपी अगर उनके हाथों नए पार्लियामेंट हाउस का उद्घाटन नहीं करा रही, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, तो वो राष्ट्रपति का अपमान कैसे होता है। बहरहाल अब ये देखने वाली बात होती है कि जब नए संसद भवन का उद्घाटन आज हो चुका है उसके बाद भी विपक्ष जो है लगातार इसका विरोध कर रही है, तो क्या कुछ देखने को मिलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। धन्यवाद। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम हिनू एवं नगरा टोली रांची। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे,
अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।